दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष मनमोहक रोम रोम को आनंदित करने वाला, पुलकित करने वाला, प्रसन्नता देने वाला और हमें सुख की अनुभूति कराने वाला लाइफ स्टाइल के बारे में और जीवन निर्माण के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में सूत्र देने वाला और जीवन को कैसे सांगोपांग होलिस्टिक बनाया जाए उसके सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और हर विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से अनुसंधान करके बनाया जाता है और उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है। उसमें ऐसी ऐसी सामग्री हम प्रस्तुत करते हैं ताकि हर वर्ग के, हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर रुचि वाले व्यक्ति के लिए वह रुचिकर जो है एक एपिसोड बने। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय लेकर के, हम यूनिवर्सल विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है रियल एंड रिलेटिव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय को हम दो एंगल से जो जांचने की कोशिश करेंगे, पहले तो हमारा वैज्ञानिक जो एंगल है और दूसरा हमारा आध्यात्मिक एंगल है, हमारा दार्शनिक एंगल है। तो पहले हम वैज्ञानिक एंगल से लेते हैं रियल एंड रिलेटिव। रियल का होता है वास्तविक और रिलेटिव का अर्थ होता है सापेक्ष। रियल मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौम, इटरनल और त्रैकालिक। देखिए, ये संसार दो इटरनल तत्वों से बना हुआ है। वो कौन कौन से तत्व है? एक जड़ है और चेतन है। चेतन तत्व वह होता है जिसमें की संवेदना होती है, जिसके अंदर जो है जो सुख दुख की अनुभूति होती है, ग्रोथ होता है और वो उसके साथ साथ में वो घटता है, बढ़ता है। इस तरह से नौ तरह की उसकी करैक्टरिस्टिक को विज्ञान ने भी माना है और हमारे दार्शनिक पक्ष ने, धर्म दर्शन ने भी माना है। वह संवेदना करने वाला तत्व, कॉन्शियसनेस, आत्मा, चेतना कहलाता है। और दूसरा होता है जड़ पदार्थ। जड़ जो होता है उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और वो गलन मिलन धर्मा होता है। और ये सारा संसार जड़ पदार्थ से बना हुआ है। जड़ पदार्थ में ना तो कोई संवेदना होता है, ना सुख की अनुभूति होती है, ना दुख की अनुभूति, एक जगह पड़ा रहता है। इसका सबसे छोटा से छोटा कंपोनेंट है वो पुद्गल है। पुद्गल के बाद अणु होता है और पुद्गल जो सबसे छोटा परमाणु होता है, कई परमाणुओं से मिलकर के जो है वो अणु बनता है और अणु से जो है कई तरह के बड़े बड़े अणु बनते हैं। हमारे जो ये जो कहिए जो जितने भी टेबल है, कुर्सी है और जो पहाड़ है और जो पर्वत है, मकान है, ये जो है ये सारे जो है हमारे जड़ पदार्थ हैं। देखिए, जड़ और चेतन के मिश्रण से ही ये सृष्टि चलती है। जो मेरा शरीर है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है और जड़ भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है और एक दूसरे के मिश्रण के साथ के अंदर होने से ये शरीर जड़ होते हुए भी यह निश्चेतन हो जाता है, क्योंकि इसमें चेतन तत्व की हाजिरी है, चेतन तत्व की उपस्थिति है, चेतन तत्व की एविडेंस है, चेतन तत्व की साक्षी होने से ये निश्चेतन हो जाता। तो ये जड़ और पदार्थ जो है दोनों इस संसार की रियलिटी, ये रियलिटी है। और दूसरा जो है, हम जो बात करते हैं रिलेटिव की बात करते हैं, सापेक्ष। मनुष्य एक सापेक्ष प्राणी है। मनुष्य का जीवन रिलेटिव जीवन है और 84 लाख जीवा योनि में जितने भी जीवन जीते हैं सब रिलेटिव है। रिलेटिव इसलिए है कि हमारे शरीर को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, पीने को पानी चाहिए और हमारी शरीर की आवश्यकताएं जितनी उत्सर्जन तत्व है, ब्लड सर्कुलेशन उसकी आवश्यक, अभी जो है रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और सारी ये कहाँ से आएगी? ये शरीर पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच भूतों से सृष्टि के हर प्राणी का जो है ये शरीर बनता है।
और पांच भूतों से उसका पालन पोषण होता है, पांच भूतों से उसका भरण पोषण होता है। पांच भूत जब वो शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु होती है, राम नाम सत होता है, तो पांच भूत पुनः पांच भूतों के विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में सब विलीन होकर के और पुनः इस सृष्टि के अंदर ये सारे चले जाते हैं। और चेतन जो है वो अपना फिर नया रूप धारण करता है, नया शरीर धारण करता है। ये हमारा सारा जीवन रिलेटिव है। हमें पेड़ पौधे ना हो, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? अगर फल फ्रूट नहीं होगा तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा? और उसके साथ साथ में हमारे किचन नहीं होगी तो खाना कैसे बनाया जाएगा? और हमारा समाज नहीं होगा तो हम किससे वार्तालाप करेंगे? हमको पहचान कौन देगा? हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे? हम एक जो है वो जंगली जानवर की तरह रह जाएंगे। लेकिन ये पूरा सापेक्ष जीवन है, और सापेक्षता के लिए इसे कहा जाता है, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि वाइब्रेट होती है। यानी पूरा जो कॉस्मोस है वह वाइब्रेशंस का बना हुआ होता है, और इस वाइब्रेशंस के कारण जो मैं बोल रहा हूँ ये भाषा टीवी के रूप के अंदर जाकर के बदल जाती है और मोबाइल के रूप में बदल जाती है। पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं वो मोबाइल से बात करते हैं, टीवी से चित्र देखते हैं, वो सारा ये जो वाइब्रेशन से होता है, हमारा पूरा शरीर भी वाइब्रेशन से संचालित होता है, पूरा सृष्टि वाइब्रेशन से संचालित होती है। और इस सृष्टि के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, इसको वैज्ञानिक लोग कहा करते हैं E=mc², या आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया, E का मतलब एनर्जी और M का मतलब मास और C कांस्टेंट है। यानी इस सृष्टि के अंदर जितनी एनर्जी थी वही आज एनर्जी सेम आज भी है और भविष्य में वही रहेगी। मात्र जो है ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, गैसेज वाइब्रेशन बदल जाएगी, इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन हमारी सृष्टि की एनर्जी का कोई व्यय नहीं होता है, वो कोई खर्च नहीं होती, वो बदलती है, वो रूपांतरण करती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये सारा रिलेटिव जीवन है, और रिलेटिव जीवन हम जी रहे हैं। व्यक्ति निरपेक्ष जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ शरीर है वहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ निरपेक्षता नहीं होती है। निरपेक्ष जीवन किसका होता है? जो एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट वह होता है, जैसे कि हमारी शुद्ध आत्मा है वो एब्सोल्यूट है और उसको शरीर नहीं है। इस कारण वो सिद्ध शिला के अंदर, वह अनंत सुख के खजाने के साथ के अंदर वहाँ भगवान विराजमान है सिद्ध शिला के अंदर, और वहाँ अक्षय सुख है। वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ कोई दर्द नहीं होता, वहाँ जन्म नहीं होता, कोई मरण नहीं होता, वहाँ कष्ट नहीं होता। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो रियल है। तो भाई और बहनों, ये हमने एक वैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत किया। अब हम इसकी दार्शनिकता पे जाते हैं। देखिए, दार्शनिकता के अंदर इसका थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि रियल जो है ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम रियल कहते हैं, वो सनातन सत्य क्या है? वो सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए हम खोज करते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये भीतर प्रश्न, ये प्रश्न मनुष्य के भीतर ही पैदा होते हैं, और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वह पूर्ण बुद्धि है, इंद्रियां पूर्ण, पांचों इंद्रियां पूर्ण रूपेण है, हमारा मन है वो पूर्ण रूपेण है, और बुद्धि पूर्ण रूपेण है, प्रज्ञा पूर्ण रूपेण है, और हमारी चेतना बहुत जागृत है। इस कारण से ये प्रश्न खड़े होते हैं, और इस प्रश्न का समाधान भी भीतर से आता है, रियल जगत से आता है। हम जब गहराई में जाके चिंतन करते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, लेकिन ये जो शरीर है ये रिलेटिव है। ये शरीर जो मन वचन काया रूपी ये शरीर है, ये रिलेटिव है, और ये रिलेटिव शरीर जो है हमारे कर्म बंधन के कारण मिलता है कि पूर्व जन्म के अंदर हम जैसे कॉजेज डालते हैं, उन कॉजेज के हिसाब से जो है कर्म बंध होता है, और कर्म बंध होकर के हमें ये शरीर जो है मन वचन काया रूपी शरीर मिलता है, और उन कॉजेज के कारण जो है हमको कर्म फल मिलता है, कर्म फल के अनुरूप ये मन वचन काया रूपी शरीर मिलता है, और इस शरीर के अंदर जितनी अनुभूतियां होती है वो कर्म परिणाम है,
और वो करीम करम परिणाम हमें सुख देते हैं और दुख देते हैं, और हमारा सारा जीवन जो है ये सुख दुख रूपी जो है वो गतिविधि के अंदर घूमता रहता, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। हमारा कोई बहुत बड़ा प्रिय चला जाता है हम दुखी हो जाते हैं, और कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है तो हम सुखी हो जाते हैं, हम धन दौलत मिलती है तो सुखी हो जाते हैं, हमारा धन चला जाता है हम दुखी हो जाते हैं। इस तरीके से जो हमारा जो पुण्य है, पुण्य के कारण हमें सुख मिलता है और पाप के कारण जो हमें दुख मिलता है। लेकिन ये सारा हमारा जो अर्जन है पूर्व जन्म के अंदर कौज डालने के कारण अर्जन हुआ है, यानी हमने बीज पूर्व जन्म में डाला था, उसका कर्म फल कर्म परिणाम इस पूरे जीवन भर बदलता रहता है, पूरे जीवन भर मिलता रहता है। और इस पूरे जीवन भर हमको एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हर चीज हम रेडीमेड लेकर के आते हैं, हर चीज एक पैक्ड जो है कैप्सूल के रूप में लेके आते हैं, मन वचन काया रूपी जो ये हमारा जो पैकिंग है, ये पैकिंग पूर्व जन्म के कॉजेस के अनुसार कर्म बीज के अनुसार हम लेके आते हैं, और सारे जिंदगी भर उसकी टेप खुलती रहती है, मन की टेप खुलती है, वचन की टेप खुलती है और शरीर की टेप खुलती है। तो मन किसे हमारे विचार आते हैं और वचन से हम बोलते हैं, लेकिन क्या हम ये विचार जो है हम करते हैं या आते हैं, ये विचार अपने आप आते हैं, क्योंकि हम परतंत्र है, हमने जो अर्जन किया उसके रूप में आता है, हम इस विचारों को करने में स्वतंत्र नहीं हैं। और हम जो बोलते हैं ये तो पूर्व जन्म का टैप रिकॉर्डर है, वो टैप रिकॉर्डर खुलता जाता है, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम जो है हमें तो जो कॉजेज डाले हुए हैं उसका कर्म फल रूप में भोगने में प्रतंत्र है, और शरीर की जितनी गतिविधियां करते हैं उन सब गतिविधियां कर्मानुसार होती है, हमारी बुद्धि कर्मानुसारी नहीं होती है, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि हो जाती है। और ये जो कुदरत है जिसको हम सृष्टि कहते हैं, नेचर माँ कहते हैं, ये कुदरत या संजोग जुटाती है, जब हमें दुख भुगतना होता है सुख भुगतना होता है तो वैसे हमारे संजोग जुटाने का कार्य जो है ये सारा कुदरत करती है। और लेकिन हमारा उपादान कुदरत एक निमित्त रूप में बनती है, और उत्पादान हमारे भीतर के कर्म होते हैं, वो कर्म जिस समय में उदय आते हैं उदय को भुगतने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए ये सो सारी सृष्टि है। और वैसे वैसे जो निमित्त वो बनाती है वैसे वो संजोग मिलाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति का जो है मकान हड़प लिया था, अब वो व्यक्ति जो है वो इस जन्म के अंदर जो है सृष्टि ये जो कुदरत है वो कुदरत जो उस व्यक्ति को जो है निमित्त के रूप में हमारे पास में भेजती है, और हमारा मकान वो हड़प करके बैठ जाता है और हमको दुख होता है, और हम कार्रवाई करते हैं और हम चिंतन करते हैं कि इसने हमारा मकान कैसे हड़प लिया। अरे भाई कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के अंदर इसका हमारे साथ हिसाब है, लेन देन है, वह तो एक निमित्त मात्र है, पूर्व जन्म के अंदर हमने इसके साथ में कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, वह वैसा ही व्यवहार हमारे साथ में किया हुआ है, वो हमारा ही अर्जन किया हुआ है, वो तो एक निमित्त रूप में आया, हम तो उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा हिसाब चुकता कर रहा है और हमें NOC दे रहा है, इसी कारण वो हमारे पास आया है और हमारा मकान हड़प रहा है। इसी तरीके से सारा जिस हमारी दुनिया के अंदर सुख दुख की हमारे जीवन में सुख दुख की अनुभूति होती है वह सब किसी न किसी निमित्त के माध्यम से होती है। हम बीमार पड़ते हैं कोई निमित्त बनता है, सर्दी संजोग आते हैं सर्दी आ जाती है हमें जुखाम हो जाता है खांसी हो जाती है और बीमारी हो जाती है, गर्मी आ जाती है हमें लू लगती है, सारे संजोग प्रति जो हमें हमारा खुद का किया दान उपादान है, लेकिन संजोग प्रकृति जिस प्रकृति का इस कुदरत का जो कानून यह है कि संजोग को जुटाना और संजोग हमारे कर्मों के अनुसार होता है, हम इस प्रकृति के जो है नेचर और लॉ ऑफ द नेचर के अनुसार जीते हैं, हर प्राणी लॉ ऑफ द नेचर के अनुसार जीता है, लेकिन जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप ही उसको जो है वो सुख दुख मिलते हैं पुण्य पाप मिलते हैं। और उसके साथ साथ में हमारा नियम भी है कि बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, एज यू विल सो यू विल द रीप इज द लॉ ऑफ द नेचर।
यही प्रकृति करती है कि जैसा हम बीज बो के आए हैं उसके अनुरूप जो है हमें फल देने के लिए संजोग जुटाती है और वो सारे निमित्त बनाती है और हम जीवन भर वही कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम स्वतंत्र किसके अंदर है। अब आप कहेंगे कि हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ, जब हम सब कुछ हमारा किया हुआ वही भुगतान करने के लिए सारी जिंदगी बसर करते हैं तो जीवन में पुरुषार्थ नाम की क्या चीज हुई। पुरुषार्थ है, जागृति है। वह पुरुषार्थ और जागृति क्या है कि हमारा पुनर्जन्म जो है वो होता है। देखिए ये सारी चीजें क्या सिद्ध होती है कि आत्मा की साक्षी से पूर्व जन्म के अंदर जो है हमने कर्मों का बंधन किया और ये नया शरीर जो है उस कॉजल बॉडी के अनुरूप मिला तो ये हमारी आत्मा सिद्ध हुई, उसकी साक्षी है। और ये पुनर्जन्म सिद्ध हुआ क्योंकि हम इस जन्म के अंदर आया हुआ है और कर्म फल हम जो प्राप्त कर रहे हैं भुगत रहे हैं ये भी सिद्ध हो रहा है। कर्म सिद्धांत भी जो है सिद्ध हो रहा है और पुण्य पाप भी सिद्ध हो रहे हैं कि हम अच्छा अच्छा मिलता है वो हमारा पुण्य है, वो अर्जित पुण्य है, बुरा मिलता है वो हमारा अर्जित पाप है। वो सारा पुण्य पाप भी जो है प्रूव हो रहे हैं। अब देखिए अब पुरुषार्थ की बात है, हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है। इन सब होते हुए भी हम फिर कैसे सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे, उसके लिए क्या रास्ता है। उसके लिए रास्ता ये है कि जो नए सीड्स डाले जाने हैं, नए बीज डाले, क्योंकि ये तो पुनर्जन्म सिद्ध हुआ है तो जन्म तो चलता रहेगा, तो हमें नए सीड्स कैसे डालने हैं जिसको कि हम भाव कहते हैं, कर्म बीज कहते हैं और हम कॉजेस कहते हैं, वो न डाले जाए। वो कैसे डाले जाते हैं कि हम लॉ ऑफ नेचर से जी रहे हैं उसमें हम स्वतंत्र नहीं है जीने में। हर प्राणी लॉ ऑफ द नेचर से जी रहा है उसमें वो स्वतंत्र नहीं है। हम अननेसरी प्रतिक्रिया करते हैं कि फला व्यक्ति शराब क्यों पीता है, फला व्यक्ति गाली क्यों देता है, फला व्यक्ति के स्त्री पुरुष के साथ डाइवोर्स क्यों होता है, फला व्यक्ति स्त्री से बीमारी क्यों भुगत रहा है। और उसके अंदर जब हम कमेंट्स करते हैं वो तो लॉ ऑफ द नेचर है, वो अपने कर्मों के अनुसार, और नेचर कुछ नहीं करती है, वो तो जो लेकर के आया उसके संजोग जुटाती है, निमित्त जुटाती है, उपादान उसका खुद का है, अर्जन है। दोनों लॉ ऑफ द नेचर से हम जी रहे हैं तो प्रतिक्रिया जो ही हमने की, जो ही हमने ओपिनियन दी, किसी के प्रति भाव बिगाड़ा तो हमारे कॉज खड़े हो जाते हैं। जब ये बीज, इसको कर्म बीज बोलते हैं, ये कर्म बीज जो है ज्यों ज्यों जो इकट्ठे होते रहते हैं त्यों ही ये होकर के हमें अगला बर्थ लेना पड़ता है जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। उस बर्थ के अंदर फिर जो पिछले जन्म के कॉजेज के अनुसार हमें कर्म फल और कर्म परिणाम मिलता है, अब ये नए कॉजेज जो हम इस जन्म में डाल रहे हैं वैसा फिल नहीं, तो हमें वो कॉजेज नहीं डालने हैं। वो कॉजेज नहीं कैसे डाले जाए, अब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि आपने तो कह दिया हम कॉजेज नहीं डालें, पर डालें कैसे। देखिए कि हमारे ये मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, कर्म फल के लिए मिला है, कर्म परिणाम सुख दुख भोगने के लिए मिला है। ये सारा जो है मन वचन काया का जो है ये सारा विचारों के द्वारा होता है। तो विचार आप पूरे जीवन भर क्या करें कि आप देखिए कि विचार 24 आवर्स हमारे जीवन भर तक आते रहते हैं और वो विचार जो आते हैं उन विचारों को दृश्य समझो। विचार दृश्य है और मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो उन विचारों को देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। मैं अलग हूँ, विचार अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम रोज देख रहे हो, चैनल 24 पार्ट्स के पास में हमें बराबर ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप अच्छे रूप के अंदर अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करके पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके देखने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम भी जो है अपने एपिसोड्स को और अच्छी क्वालिटी के बनाने के लिए, आपके लिए अच्छा उपयोगी बनाने के लिए
आपके जीवन को संवारने के लिए, आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए, आपको रियल ट्रुथ देने के लिए, आपको सम्यक दृष्टि देने के लिए, आपको रॉन्ग बिलीफ आपकी समाप्त करने के लिए, आपके जो नकारात्मक भावों को समाप्त करके सकारात्मक भाव प्राप्त करने के लिए हम भी वैसे वैसे एपिसोड चलाते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु होकर के, दीर्घायु होकर के अपने जीवन को धन्य बनावें, परोपकार करें और आपके हर वक्त पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में बनाए रखें। इसी में जीवन की सार्थकता है। आपके प्रति मंगल भावना।